नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल में जो कि हेलो मेरा एस। तो आज हम फ्री आ चुके नेवर के साथ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन लाइट्स के बारे में। तो ये लाइट्स मैंने रिसेंटली परचेज किए थे और इस वीडियो में मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ कि ये लाइट्स कैसे है, इसका क्वालिटी कैसा है, इसका प्राइस कैसा है, मैंने कहाँ से परचेज किया, सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपको मेरा ज्ञान लेना हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखे। तो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इस लाइट को अमेजोन से परचेज किया था। सबसे पहले हम इसका प्लास्टिक जो है उसको खोल लेंगे और इसके बाद इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लाइट का बॉक्स जो है वो बाहर आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यूएसबी चार्जिंग, ये ऑब्वियसली ये लाइट्स जो है ये यूएसबी से चार्ज होती है क्योंकि जो बैटरी वाले लाइट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अनोइंग होते हैं, बहुत बार बैटरी चेंज करना पड़ता है, जल्दी खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। और यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स 400 लूमिन्स। 400 लूमिन्स मतलब अप्रोक्स 35 वाट का जो एक एलईडी बल्ब होता है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है, वैसा ब्राइटनेस इसमें आपको मिलेगा। और यहाँ पे और भी लिखा है कि 85 डिग्री वाइड इल्यूमिनेशन, मतलब इतना ज्यादा ये स्प्रेड होता है, 85 डिग्री तक ये स्प्रेड होता है जो कि बहुत ही ज्यादा है। और उसके बाद लिखा है IPX3, मतलब ये वाटर प्रूफ भी है, ये इसमें आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर बारिश वारिश भी आती है तो आपको कोई भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और पीछे हम देख लेते क्या है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है बट यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, ये सबसे ज्यादा अनोइंग चीज है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हमारा बचाव यंत्र लगा लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे बॉक्स खोलते ही हमें देखने के लिए मिल जाता है इसका यूजर मैनुअल। तो यूजर मैनुअल हम अभी के लिए यहाँ पे रख देते हैं, इसको पढ़ेंगे नहीं अभी। और उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं इसमें माउंट्स दिए गए हैं लाइट्स के, लाइट्स को लगाने के लिए। और उसके बाद इसमें चार्जिंग केबल्स दी गई हैं, ये व्हाइट वाला जो है ये फ्रंट लाइट के लिए है और जो ब्लैक वाला है वो रियर लाइट के लिए है। और यहाँ पे हमारे लाइट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट्स ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है, काइंड ऑफ एक कॉम्पैक्ट साइज में ये लाइट्स आती है। और यहाँ पे आप रियल लाइट्स देख सकते हो कि ये भी कैसे दिखते हैं, ये भी अच्छे दिखते हैं, ये बुरे नहीं है। और इसी के बाद हम आ जाते हैं इसके इंस्टॉलेशन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पुराने लाइट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो पुराने लाइट्स में सबसे पहले खोल लूंगा और ये जो एरिया है इसको अच्छे से केरोसिन ऑयल से मैं क्लीन कर लूंगा। और ये लाइट्स जो है ये बैटरी से चलती थी, इसका भी मैंने रिव्यू किया था, इसका पूरा एक डिफरेंट वीडियो बना था इसके ऊपर, तो आप वो भी जाके देख सकते हो, आई बटन में लिंक आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे रहा होगा। और ये लाइट्स भी अच्छे हैं बट इनमें नॉर्मल सेल्स लगती है जो कि ट्रिपल ए बैटरीज होती है और वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है 1 या 2 हफ्ते पे। और मतलब अगर मैं उसको यूज करना चाहूँ रेगुलरली तो मैं यूज नहीं कर सकता। और अगर रिचार्जेबल लाइट्स होते हैं तो बहुत ज्यादा आसान है, मैं सारा दिन इसको यूज करूंगा और उसके बाद रात को आके चार्ज में डाल दूंगा तो ये चार्ज हो जाएंगे और उसके बाद मुझे कोई भी बैटरीज खरीदने की कोई भी झंझट नहीं होगी। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इनका माउंट्स जो है, ऐसे आपको माउंट्स को लेना है और उसके बाद एकदम सॉफ्टली आपको लाइट्स को अच्छे से इसमें इंस्टॉल कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रैप है, ये स्ट्रैप भी बहुत ज्यादा मोटा है, लोगों को लगता होगा कि ये रबर में है तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा वीक साइड में है, बट मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्टर्डी होने वाला है। अगर स्टर्डी ना भी हो तो इनका क्वालिटी, ये रबर का क्वालिटी अच्छा है। और यहाँ पे रियल लाइट्स भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक ऑलरेडी रियल लाइट लगा हुआ है, ये लाइट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ इसको, मतलब मैं जब मॉर्निंग राइड्स पे जाता हूँ तो ये लाइट्स ऑब्वियसली मुझे लगती है रियल लाइट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी के लिए मैं इसको ही यूज करूंगा और ये लाइट्स मैं अपने एटमिक में लगाऊंगा, मैं देखूंगा वो बाद में। बट ये लाइट्स भी अच्छे हैं, इनका भी ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इन दोनों का काइंड ऑफ डिफरेंस नहीं है, मूड्स भी सेम है, बट ये लाइट्स मुझे ज्यादा पसंद है। और इसके बाद इसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे सेम प्रोसीड्योर से। बट यहाँ पे इन रियल लाइट्स का एक एडवांटेज मुझे नजर आया जो कि है इनका जो यहाँ पे एंगल है या फिर इसका जो डायरेक्शन है, मतलब हमें इसको पोर्ट्रेट में चाहिए या फिर लैंडस्केप में चाहिए आसान भाषा में, तो ये हम चेंज कर सकते हैं। इसका जो एंगल है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, मतलब पीछे का जो एंगल होता है, यूजुअली अगर हम सीट पोस्ट में अपना लाइट लगाते हैं तो वो नीचे की तरफ दिखता है, बट इसमें हम एंगल चेंज कर सकते हैं, तो उसकी मदद से ये डायरेक्टली आपको पीछे की
तरफ दिखाएगा लाइट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये विजुअलाइज हो सके कि आप जा रहे हो सामने से, और ये काइंड ऑफ आपका सेफ्टी जो है उसको बढ़ा देता है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही आसानी से इंस्टॉलेशन हो चुका है, बहुत ही आसान इंस्टॉलेशन है, ऑन द गो के लिए बहुत ही आसान है, कभी भी आप किसी भी साइकिल में इसको लगा सकते हो, खोल भी सकते हो आसानी से। हाँ, चोरी होने का डर रहता है, तो वो आपको कैरी करना होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके क्वालिटी पे। तो इसका क्वालिटी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसका जो मेन लाइट है, मतलब जो हमारा फ्रंट लाइट है, उसका क्वालिटी ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसका काइंड ऑफ मेटल टाइप का एक मटेरियल है इसमें, एल्यूमिनियम आई गेस, और इसके साम बहुत ही ज्यादा स्टर्डी एक फील आता है इसमें, मतलब अगर गिर भी जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा एक फील आता है इसमें। और इसका जो रियल लाइट है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, फुल्ली प्लास्टिक से बना हुआ है। ये काइंड ऑफ ये भी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, आई डोंट थिंक अगर ये भी गिरता है तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। और उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके लाइट के बारे में। तो इनका लाइट कितना ब्राइट है, ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, मैं सबसे पहले यही बताऊंगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है 400 lumens, 400 lumens कम नहीं होते, 35 watt का एक बल्ब बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है, बहुत ही ज्यादा। मतलब अगर हम सोचे तो सबसे कम जो होता है वो 9 watt का एक बल्ब होता है, तो वो भी ब्राइट होता है, ज्यादा देर तक हम उसकी तरफ देख नहीं सकते। तो ऐसे ही ये और भी ज्यादा ब्राइट है, ये 400 lumens तक जाता है। और इन लाइट्स में आपको 4 modes देखने के लिए मिल जाती है, और सबसे पहला मोड जो है वो 400 lumens का आता है, और उसके बाद आपका 200 lumens वाला एक मोड आता है। ये सिर्फ एक क्लिक में आप इस इन मोड्स को यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इसको 3 seconds के लिए दबा के रखोगे, उसके बाद एक और मोड आता है जो कि होता है SOS मोड। तो ये इसमें आपको एक डिफरेंट टाइप का एक पैटर्न देखने के लिए मिलेगा लाइट्स में, मतलब लाइट्स एक पैटर्न में आपको ब्लिंक करते हुए देखने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद एक और मोड है जो कि है स्ट्रोब मोड, तो ये भी एक डिफरेंट मोड है, इसको आप मॉर्निंग राइड्स में यूज कर सकते हो आपकी सेफ्टी के लिए। और पीछे का लाइट में आपको 4 modes देखने के लिए मिल जाती है, ये 4 modes डिफरेंट मोड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है इसमें। और इसमें भी सिर्फ एक क्लिक के मदद से ही आप इन 4 modes को चेंज कर सकते हो, कोई भी दबा के रखने की कोई जरूरत नहीं होती। और बात करते हैं इसके बैटरीज की तरफ, तो इसमें लिखा हुआ है अगर हम इसको नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा ये 21 आवर्स तक चल सकता है। अगर नॉर्मली आप स्ट्रोब मोड यूज करते हो या फिर आप 200 ल्यूमिन्स वाला मोड यूज करते हो, तो एटलीस्ट आपका सारा दिन इसमें चल जाएगा आसानी से। अब अभी मैंने यूज नहीं किया, आई होप इनमें ज्यादा से ज्यादा 8-10 hours तक इनका चार्ज रहेगा, जो कि इसमें लिखा भी हुआ है इसके मैनुअल में। और इसके बाद आते हैं डे एंड नाइट टेस्ट पे। मतलब इसका डे टेस्ट का मतलब है कि डे लाइट में आपको ये लाइट्स कैसी दिखती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डे लाइट में भी ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिख रही है, मतलब ये ऑब्वियसली 400 lumens कम नहीं होते। और डे लाइट में अगर इसको आप यूज करते हो एक डे लाइट के हिसाब से, 200 lumens वाला जो मोड है उसको अगर आप ऑन करके रखते हो, तो ऑब्वियसली ये आपको एक रास्ते पे, मतलब अगर आप उल्टी डायरेक्शन से कोई गाड़ी आ रही है या फिर कोई कुछ भी आ रहा है, तो उनके हिसाब से आप विजुअलाइज हो सकोगे रास्ते पे, और उनको आप आसानी से दिख जाओगे अगर आपका लाइट्स ऑन है तो। और नाइट टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने अंदर भी इसको एक टेस्ट किया और बाहर भी इसको टेस्ट किया, तो यहाँ पे डिफरेंट मोड्स मैंने ट्राई किए और कैसा कैसा लग रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा ब्राइट है लाइट, नाइट मोड में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं लगभग 6-7 feet दूर खड़ा हूँ यहाँ से, और ये काफी ज्यादा ब्राइट है, वो जो दीवार है मेरे से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो ये काफी ज्यादा ब्राइट है। और इसके बाद लगभग 7-8 meters तक यहाँ पे ये जो दीवार है ये 7-8 meters तक दूरी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी आपको क्लियरली दिख रहा है सब कुछ, ये दीवार भी दिख रहा है, यहाँ पे जो भी काम चालू है या फिर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका जो ब्राइटनेस है ओवरऑल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और रियल लाइट्स का भी ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट में भी आपको विजुअलाइज आसानी से हो जाता है लाइट्स। तो मुझे लाइट्स बहुत ही ज्यादा पसंद आए, इनका ब्राइटनेस भी अच्छा है, इनका लुक्स भी अच्छा है, साइकिल में बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। डे में भी हम इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं, फ्रंट लाइट रियर लाइट दोनों बहुत ही अच्छे से काम आएंगी मेरे लिए। और ओवरऑल मुझे ये लाइट्स बहुत ही ज्यादा पसंद आए। और अभी आते हैं इसके मेन पार्ट पे, जो कि है इसका प्राइस, जो कि है 1499, मतलब 1499 के प्राइस में आपको ये लाइट्स मिल जाती है। हाँ, अगर पहली बार में आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये बहुत ज्यादा छोटा है, आपने 1500 रुपीज एक
एक इतना छोटे चीज में आपने इन्वेस्ट कर दिया, मैं आपको कहूंगा कि ये जो प्राइस है इसका वर्थ इट है। बट ऑब्वियसली ये रिचार्जेबल है, आपको ये ध्यान में रखना है कि रिचार्जेबल लाइट्स ऐसी ही प्राइसिंग में आती है। और लाइट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको इन लाइट्स में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली उनको जाके आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। तो यही था इन लाइट्स का वीडियो, जो कि था विक्टगोल की तरफ से। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर दबा देना, और उसी के साथ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और घंटे का बटन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ऐसे कंटेंट्स और ऐसे प्रोडक्ट्स के वीडियोस और भी देखने हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, और इसी के साथ इस वीडियो को यही पिन करते हैं। तो दिस इज योर बॉय लोन राइडर एस साइनिंग आउट।